आज डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ हमें क्या बताता है? ये जो नेम है हुक्स लॉ, ये जिन्होंने इन्वेंट किया था उनके नेम पे रखा गया है। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने ये लॉ बनाया था, तो इसलिए इसको हुक्स लॉ नाम दिया गया है। हुक्स लॉ कहता क्या है? हुक्स लॉ कहता है, इसके लिए हमें पहले दो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, एक तो इलास्टिसिटी और एक प्लास्टिसिटी। हुक्स लॉ कहता है कि अगर इलास्टिसिटी रेंज के अंदर, इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर हम किसी चीज़ को खींचें और खींचने के बाद छोड़ दें और वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर ले, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। कि जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमने तीन फिगर बनाई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर हम इस स्प्रिंग के ऊपर कुछ फोर्स लगाएं और उसको छोड़ दें, तो ये स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन को गेन कर लेगा, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर हम इतना इस स्प्रिंग को खींच दें कि ये अपनी पोजीशन को गेन ना कर पाए, उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो ऐसा मटेरियल जो कि अपनी शेप को वापस ले ले फोर्स को छोड़ने के बाद, तो वो इलास्टिक मटेरियल होता है। अगर ऐसा मटेरियल जब हम उसको खींचें और वो अपनी शेप को दोबारा ना ले पाए, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि इलास्टिक रेंज के अंदर, इलास्टिक रेंज मतलब कि अगर कोई मटेरियल अपनी शेप को उस रेंज के अंदर दोबारा ले सकता है, उस रेंज के अंदर अगर हम फोर्स अप्लाई करें इलास्टिक मटेरियल के ऊपर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी एक्सटेंशन के। एक्सटेंशन मतलब उसकी एलोंगेशन के। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है, ये अनस्ट्रेच स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच, हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एम मास लटका देते हैं। तो एम मास क्या करेगा, इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। फोर्स मतलब इक्वल टू एम इंटू जी, जो मास इंटू ग्रेविटी की फोर्स लगेगी इस पे, और ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी लेंथ एल थी, तो यहाँ पे एल प्लस डेल एल इसकी लेंथ हो जाएगी। एल प्लस है ये, एल प्लस डेल एल मीन्स डेल एल इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई जब हमने एफ फोर्स लगाया एम मास के साथ। अब मान लीजिए हम मास को दुगुना कर देते हैं, तो फोर्स क्या होगी, फोर्स भी हमारी दुगनी हो जाएगी। तो जो ये फोर्स लगेगी इसके ऊपर, तो इसकी लेंथ उस हिसाब से फिर इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ एल था, यहाँ एल प्लस डेल एल था, और इसकी जो लेंथ इंक्रीज होगी एल प्लस डेल एल और इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स ये डेल एल कितना है, ये वाला डेल एल, ये एल प्लस डेल एल था और ये प्लस डेल एल। तो डेल एल मतलब क्या है, वेरिएशन। तो मीन्स पहले इतनी वेरिएशन हुई थी इसमें, इतनी ये डेल एल थी, अब जो ये डेल एल है वेरिएशन बढ़ चुकी है, तो चेंजिंग इन लेंथ बढ़ चुकी है। किस तरह से, जब हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स को हमने बढ़ाया, तो उससे क्या हुआ, इसकी लेंथ भी एलोंगेशन भी इंक्रीज हो गई। तो ये क्या कहता है हुक्स लॉ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एलोंगेशन के। एफ इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं के एक्स। यहाँ पे एफ तो है अप्लाइड फोर्स जो हमने अप्लाई की है, एक्स है जो एलोंगेशन हुई है, एलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं कितनी हुई है, और के है कांस्टेंट। ये जो के कांस्टेंट है, ये हमारा डिपेंड करता है स्प्रिंग के डायमेंशन के ऊपर, साइज के ऊपर और इसकी स्टिफनेस के ऊपर। तो ये के कांस्टेंट हर एक स्प्रिंग के साइज, डायमेंशन और उसकी स्टिफनेस के अकॉर्डिंग अलग होता है। तो ये है इक्वेशन एफ इक्वल टू के एक्स। इसको हम कई बार एफ इक्वल टू माइनस के एक्स भी लिखते हैं। ये माइनस साइन क्या है यहाँ पे, ये तो है अप्लाइड फोर्स जो हमने अप्लाई की और एक्सटेंशन कितनी हुई। ये क्या है, ये वो फोर्स है कि जो रिस्टोर करने के काम आएगी। ये तो अप्लाइड थी तो इसलिए के एक्स थी, लेकिन जब हमने इसको छोड़ा तो इसको जो रिस्टोरिंग फोर्स, बैक फोर्स लगेगी, इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी।
इसकी शेप को, वो होती है माइनस के एक्स। मीन्स इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो कि हमें चाहिए इसकी शेप को रीगेन करने के लिए। तो ये साइन भी हम कई बार यूज़ करते हैं। तो इनमें कन्फ्यूज़ हम कई बार हो जाते हैं। ये तो अप्लाइड फोर्स होती है और ये है रीस्टोरिंग फोर्स, हम इसको बोलते हैं। और इसी तरह से अगर स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करें, तो स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर ये हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मीन्स सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस साइन के, जो स्ट्रेन का साइन है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होता है, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करें हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। और जब हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम इसको ई लिख देते हैं, कैपिटल ई। ये जो ई है ये है यंग मॉडुलस, इसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम इसको बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ जाता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये भी हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब अगर हम स्ट्रेन स्ट्रेस का डायग्राम बनाएं, यहाँ स्ट्रेन है यहाँ स्ट्रेस है, तो बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी जिसके अंदर क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होगा। किसी भी पॉइंट पे आप ले लें तो जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होगा। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उस हिसाब से स्ट्रेन बढ़ेगा। तो ये हमने इस ग्राफ में हम दिखा सकते हैं। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, और जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एलोंगेशन के। तो किसी में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये था हुक्स लॉ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।